हेलो दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के नेक्स्ट न्यूज में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट कोर्ट केस के बारे में, और इससे रिलेटेड एक ऑफिशियल लेटर है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कोर्ट केस और ऑफिशियल लेटर से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस डीएचओ, उससे रिलेटेड भी एक लेटेस्ट न्यूज है, और बीएसएससी इंटर लेवल का फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा इस पर बात करेंगे, और एजीटीए ज्वाइनिंग को लेकर के भी यहाँ पर कुछ अपडेट्स है जिसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि कल मैंने एजीटीए ज्वाइनिंग को लेकर के आप लोगों को कुछ न्यूज़ दी थी, लेकिन उसमें कुछ न्यूज बाकी रह गया था जो कि मैं यहां पर इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं। तो जो भी अपडेट्स है, चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज जो है पीईटी के बारे में बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम 20 अगस्त को होना है और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज है जो कि हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है, आप सबको बता दें कि आप सब जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को लेकर के कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। उनका ये कहना था कि वो लास्ट टाइम में सर्वर फेल होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिसको लेकर के वो कोर्ट गए थे, और कल इस मुद्दे पे कल कोर्ट का फैसला आना था। लेकिन आप सबको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी के जो अधिवक्ता हैं वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से कल जो है कोई फैसला नहीं सुनाया गया, और यूपी ट्रिपल एससी के अधिवक्ता के वहां ना पहुंचने की वजह से कल भी ये नहीं आया। और 20 तारीख को पेपर है, और इससे पहले अगर साइट फिर से ओपन नहीं होता है तो जो अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं फॉर्म भरने से, कोई उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोर्ट का कहना है कि 12 तारीख तक का उन्होंने टाइम दिया है, अगर 12 तारीख तक यूपी ट्रिपल एससी से कोई नहीं पहुँचता है तो कोर्ट अपना फैसला खुद सुना देगी। तो दोस्तों, 12 तारीख को जो भी फैसला आएगा वो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बता दूंगी, तो आप लोग चैनल के साथ लगातार बने रहिए। और पेट से रिलेटेड जो ऑफिशियल लेटर है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो है फेक न्यूज पीईटी एग्जाम को लेकर के मार्केट में फैली हुई है, तो ये लेटर देखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सब ये देख सकते हैं, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को होना है। यहाँ पर देखिए, परिवहन निगम मुख्यालय को जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम को लेकर के एक लेटर लिखा गया है। इसमें कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 के अनुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की लिखित परीक्षा 20 अगस्त हेतु परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा 20 अगस्त 2021 को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की लिखित परीक्षा कराया जाना निर्धारित है। प्रतिभागियों को हेतु समुचित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना निगम का दायित्व है। उक्त परीक्षा हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 20,73,540 है। परीक्षा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के राजकीय विद्यालय निजी प्रबंध तंत्र के माध्यम से संचालित विद्यालयों पर 2 पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसका समय पालीवार 10 से 12 तथा 3 से 5 है। तो आपका जो एग्जाम है वो 2 पाली में संपन्न होगा, 10 से 12 और 3 से 5, 20 तारीख को। तो ये जो है हर जगह, मैंने कल के वीडियो में भी आपको एक लेटर दिखाया था जिसमें कि यूपी ट्रिपल एससी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखा था जिससे कि एग्जाम क्लैश न हो, और ये जो लेटर है ये परिवहन निगम को लिखा गया है जिससे कि परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों, ये आपने देखा, अब जो है आप लोग किसी भी भ्रम में नहीं आएंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 20 तारीख को होके रहेगा। बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अलग से पीईटी के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितने भी बुक्स मटेरियल है मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सब जाके उन वीडियोज को देख लीजिए, और सब कुछ आपका आपके लिए अवेलेबल है, सब वीडियोज देखिए। एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए एकदम। मैंने 10 दिनों की स्ट्रेटजी कल के वीडियो में आपको बता दी है, कल शाम ही वो वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने आप लोगों को 10 दिन की स्ट्रेटजी बताई है, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और पिछले वीडियो को जाके आप देख लीजिए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और आपको क्या पढ़ना है सारे मटेरियल्स भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो ये तो बात हो गई यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम को लेकर के। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो न्यूज है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो है आपका बीएसएससी से रिलेटेड ये न्यूज है। यहाँ कहा जा रहा है, इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट इसी माह, भूमि एवं राजस्व कर्मचारी के पद पर सबसे अधिक 4,353 को मिलेगी नौकरी। तो आप सब जानते हैं बीएसएससी का रिजल्ट काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, इसके लिए अभ्यर्थी इंतजार करते रहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी 32 विभिन्न कोटि के 13,120 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के फाइनल परिणाम इसी माह जारी करेगा।
रहेगा। आयोग की ओर से टाइपिंग आशुलेखन परीक्षा एवं पुलिस विभाग के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा हो चुकी है। अब वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की नियुक्ति के लिए 13 अगस्त तक शारीरिक दक्षता परीक्षा चलेगी। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया 25 अगस्त के बाद आयोग इस परीक्षा का परिणाम जारी कर देगा। तो दोस्तों 25 अगस्त के बाद आपका जो है एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। आप यहां देख सकते हैं 32 प्रकार के पदों के लिए 3161 बनेंगे पंचायत सचिव। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं इस तरह से है, भूमि एवं राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी के 4353 पोस्ट। तो इस तरह से ये सारे रिजल्ट जो है 25 के बाद जारी कर दिया जाएगा। तो ये सब तो बात हो गई आपकी पीईटी और यूपी बीएसएससी इंटर लेवल से। अब हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस डीएचओ से रिलेटेड कुछ न्यूज है जो कि आप लोग यहां देखेंगे। तो दोस्तों आप सबको बता दें कल जो है यूपी पीसीएस का जो आपका आंसर की है वो जारी कर दिया गया, और इससे रिलेटेड मैंने कल ही वीडियो बना के आपको सूचित कर दिया था कि आपका जो है आंसर की आ गया है। और आप सबको इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आपका आंसर की आने के बाद जो है आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप लोग जा करके मैंने एक पोल कंडक्ट कराया है, कम्युनिटी वाले टैब में होगा मेरे चैनल पे, आप लोग जा करके वहाँ पोल में हिस्सा लीजिए, जिससे कि ये पता चल पाएगा किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उसी हिसाब से जो है फिर से कट ऑफ डिसाइड किया जा सकता है, और इससे आप लोगों को खुद आसानी होगी कट ऑफ डिसाइड करने में। तो आप लोग जा करके उस पोल में ज़रूर हिस्सा लीजिए। तो यहाँ कहा जा रहा है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से 16 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आपत्तियां मांगी गई हैं। और यूपी पीसीएस ने चारों सीरीज की प्रश्न पुस्तिकाओं की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 15 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने के अनुसार अभ्यर्थी उत्तर कुंजी को देख ली और अगर उन्हें कोई विसंगति प्रतीत होती है तो स्थगित साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन आयोग को एक बंद लिफाफे में डाक के माध्यम से काउंटर पर 16 अगस्त तक उपलब्ध करा सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है यहां पर जो है ये भी नोटिस है ऑफिशियल, 9 तारीख का ये डेट है। यहां कहा जा रहा है कि दिनांक 15 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वो आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित उत्तर कुंजी को देख ले और यदि कोई विसंगति उन्हें प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन संगत साक्ष्य सहित दिए गए प्रारूप पर अनिवार्यता सामान्य अध्ययन तथा कृषि दोनों विषय हेतु अलग अलग आयोग की एक बंद लिफाफे में जो अरविंद कुमार मिश्र परीक्षा नियंत्रण अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को संबोधित हो डाक द्वारा आयोग के काउंटर पर दिनांक 16 अगस्त 2021 के शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग रहा है, कोई क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि डाउटफुल है या गलत है, आयोग ने गलत आंसर दिया है, तो आप लोग जो है 16 तारीख तक उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है ये आपका दिया हुआ है एड्रेस। दोस्तों ये सारे जो PDF हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगी, टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, ये सब आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप सब ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं 16 तारीख के शाम 5 बजे तक, एक लिफाफे में भेज सकते हैं, ये आपका एड्रेस है। तो ये तो बात हो गई यूपी पीसीएस डीएचओ से। अब हम लोग बात कर लेते हैं AGTA रिलेटेड न्यूज़। तो दोस्तों आपको कल मैंने AGTA से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट्स बताए थे, आप यहां देख सकते हैं। मैंने आप सबको बताया था कि आज अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राधा रमन मिश्रा जी, प्रदेश महामंत्री श्री अंबा शर्मा जी के साथ अधीनस्थ कृषि सेवा संघ की विभिन्न समस्याओं को लेकर कृषि निदेशक को ज्ञापन दिया गया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, 2013 वाले कृषि प्राविधिक सहायक का प्रमोशन, वेतन विसंगति, 2018 AGTA की नियुक्ति। और आप सबको बता दें देरी की वजह में भी मैंने आप लोग को बताया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की वजह से देरी हो रही है, और भी बहुत सारी बातें थी। तो चलिए आप लोग इस लेटर को देख सकते हैं। फिर आप लोगों ने कहा था कि वहां पर जो है बात AGTA ज्वाइनिंग को लेकर नहीं हुई है, दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस लेटर को देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश, यहां पर आप देख सकते हैं ये अध्यक्ष का नाम और ये महामंत्री, 9 तारीख का ये लेटर है। इसमें जो है यहां पर ये कृषि निदेशक को लेटर दिया गया है जिसमें कि बाकी सारे पॉइंट हैं ही, लेकिन पॉइंट नंबर 4 आपके काम का है,
यहाँ कहा जा रहा है अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 के रिक्त पदों पर भर्ती कराई जाए एवं वर्ष 2018 से आरंभ भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 2059 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों की अति शीघ्र नियुक्ति कराई जाए। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों की नियुक्ति की भी बात की गई थी इस लेटर में, आप ये देख सकते हैं, ये ओरिजिनल लेटर है जो कि उत्तर अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश का ये ऑफिशियल जो लेटर पैड है उस पर लिखा गया है और कृषि निदेशक से 2018 वालों की भर्ती की मांग की गई है। दोस्तों इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। अब ये एकदम तय है कि आपको मैंने कल शाम को बताया था कि अगर ऑफलाइन प्रक्रिया होती है तो नियुक्ति 10 दिन में हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी स्थिति में अगस्त में 100% तय है ज्वाइनिंग। तो कल के वीडियो में भी मैंने शाम को आप सबको बताया था कि शासन को डेट भी जा चुका है, शासन के साथ डेट की मंजूरी चल रही है, जिस दिन शेड्यूल खाली रहेगा मुख्यमंत्री जी जिस दिन फ्री रहेंगे उस दिन ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया जाएगा। तो अगस्त मंथ में ज्वाइनिंग एकदम योर है और जैसे ही मैं डेट कंफर्म होती हूँ, वैसे मुझे कुछ डेट पता चला है, एक, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ, जैसे ही मैं श्योर होती हूँ मैं आपको वो डेट भी बता दूंगी कि किस दिन AGTA को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। फिलहाल के लिए अभी जो भी न्यूज है वो आपके सामने है। इस तरह से अधीनस्थ कृषि सेवा संघ ने भी चिट्ठी लिख के ज्वाइनिंग की मांग की है। तो दोस्तों ये सारी न्यूज है AGTA को लेकर के। तो दोस्तों आप सबको बता दें एक और न्यूज है, आप यहाँ देख सकते हैं 2846 नव चयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को जो है आपको 12 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है दोपहर 12 बजे इनकी ज्वाइनिंग लेटर, इसी तरह अब AGTA को भी दी जाएगी। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ थी जो कि आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको आज का नेक्स्ट न्यूज़ पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कल के नेक्स्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको जरा सा भी वीडियो यूजफुल लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।